आज के विषय पर हम सब का मार्गदर्शन कर आज इस प्रवाह को और अपने ज्ञान के ज्ञानार्जन से इसे इतनी ऊंचाई दें ताकि आज हम सब में वो ऊर्जा हो, वो प्रेरणा मिले, ताकि आगे आने वाली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उस संकल्प की सिद्धि में हम सभी उसको उसके प्रेरणा में उसकी सहभागी बन पाए। प्रोफेसर अश्विनी मिश्र सर, डॉक्टर शुक्ला मैम, डॉक्टर संदीप जी, मुझे लगता है कि पिछले दो दिनों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और उसकी भूमिका पर आप लोग चर्चा कर रहे हैं, और जैसा संदीप सर ने बताया कि मैं अपने उद्बोधन से इसको बहुत ऊँचाई दूँ, तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। आप लोग जितनी चर्चा करनी थी, जितना इसके अलग अलग वाइयों पर चर्चा करनी थी, वो चर्चा कर चुके हैं, और सही मामलों में मायनों में देखा जाए तो एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मैं आप जैसा ही हूँ, जैसे आप सीख रहे हैं समाज से वैसे मैं भी सीख रहा हूँ। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि एज ए को लर्नर मेरे जो कुछ ऑब्जर्वेशन लगातार रहे हैं उनको मैं आपके सामने रखूँगा। इससे ज़्यादा मैं अपने से भी अपेक्षा नहीं करता हूँ और आप भी हम उससे ज़्यादा अपेक्षा मत करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई और 20 में आने से पहले 5 साल तक लगातार उस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ, जिसमें कहीं ना कहीं हम सब लोग शामिल थे। तो इसलिए अगर ये कहा जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसी विशेषज्ञ ने बनाई तो बहुत गलत है। जो भी किसी भी सरकार की जो भी नीति आती है या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट बनता है वो सब लोग मिलकर के बनाते हैं। ये बहुत बड़ी गलत अवधारणा है हमारे समाज में और कई जगहों पर कि कुछ विशेषज्ञ लोग कुछ नीतियाँ बनाते हैं। वो जो विशेषज्ञ कुछ लोग नीतियाँ बनाते हैं वो नीतियाँ अक्सर फेल होती हैं क्योंकि वो कुछ लोग ही बनाते हैं। किसी भी नीति की सफलता तभी संभव है जब वो सब लोग मिलकर के बनाएं, जब उसमें सबकी आवाज़ हो, सबके कंसर्न हो, तभी वो सबके लिए बन पाए। अगर वो कुछ लोग बनाएंगे और कुछ लोगों के लिए तो कुछ लोगों के लिए ही बनेगी उस नीति। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर नहीं बात करना चाहूँगा, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति मुझे लगता है कि एक चरण है। अगर 2020 में एक नीति आई जो 4 साल के मंत्रणा के बाद आई, अगर हम उसी नीति पर अगले 10 साल तक बात करते रहेंगे और ऐसे समाज में जब बात करते रहेंगे जो समाज बहुत तेज़ी से बदल रहा है, 5 साल पहले जो शिक्षा में जो बदलाव थे आपने वो सब कल्पना नहीं की। कोरोना ने स्कूल को, यूनिवर्सिटीज को पूरा बदल डाला। आज जिस धड़े से आप लोग स्कूल को समझ रहे थे या कॉलेज को समझ रहे थे वो पूरा बदल चुका है। पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी कि लगातार वेबिनार हो करके इतने लोग एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट थे वो हमारे समझ से या हमारी कल्पनाओं से परे थे, बट वो हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। कुछ चर्चाएँ लगातार वैश्विक जगत में होती रहती थी कि स्क्रीन टाइम कैसे होगा, ऑनलाइन क्यों जाना है, बहुत सारे रेजिस्टेंस था, वर्ल्ड वाइड था, भारत में नहीं था। लेकिन अब स्क्रीन टाइम का इशू हो या ऑनलाइन क्लासेस का इशू हो लगातार लगभग सेटल सा हो गया है। तो ऐसे समय में मैंने जो सोचा और जो लगातार मैं अलग अलग समूहों के साथ हमारी चर्चा होती रहती है, जो लोग भारत के शिक्षा जगत में जिनकी रुचि है, एक तरीके से देखा जाए, और मैं आपको इस बात के लिए बताना भी चाहूँगा कि अगर शैक्षिक जगत में आप देखेंगे तो भारत शिक्षा का सबसे उभरता हुआ बाजार है। विश्व की सभी कंपनियां, चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन की हो चाहे यूनिवर्सिटीज की हो, उनका अब इंटरेस्ट है, क्योंकि भारत के पास या भारत के में शिक्षा प्राप्त करने की जो ललक है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। आपने भी हाल में देखा भारत और कनाडा में कुछ तनाव हुआ, वो तनाव एक सीमा से आगे नहीं बढ़ पाया। इस तनाव पर, इस इशू पर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, वो एजुकेशन से संबंधित थी। आज भारत के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो है वो उसके स्टूडेंट हैं, जो लगातार अलग अलग देशों में जाते हैं और वहाँ के बाजारों को, वहाँ की अर्थव्यवस्था में अपनी हेल्प करते हैं। तो आज विश्व के कई सारे देश, लगभग जो भी जितने भी समृद्ध देश हैं, वो भारत के प्रति इसलिए भी आकर्षित हैं क्योंकि उनको भारत के स्टूडेंट चाहिए, भारतीय शैक्षिक जगत में अपनी हिस्सेदारी चाहिए। तो हमें जो अपनी जो सोच है शिक्षा को लेकर के, वो थोड़ी सी कई मामलों में बदलनी पड़ेगी।
मैं नीचे था, सैनिक सर थे और मिस थे, एक हमारे इनफॉर्मल डिस्कशन हो रहा था कि शिक्षा क्या है और शिक्षा के वास्तव में उद्देश्य क्या हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति या किसी भी नीति को बात करें या शिक्षा पर बात करें या अपनी शिक्षा पर, अपने बच्चों की शिक्षा पर बात करें, तो मुझे लगता है कि कुछ फंडामेंटल फाउंडेशनल इशू पर डिस्कस करना चाहिए कि हम किसी को शिक्षा क्यों देना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को भी क्यों पढ़ाना चाहते हैं स्कूल में। क्या बच्चे को इसलिए पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि वो एक सर्टन टाइम के बाद उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, या अपने बच्चे को किसी भी कॉलेज में इसलिए भेजना चाहते हैं कि उसको एक डिग्री मिल जाएगी और उस डिग्री वो एक क्राइटेरिया है जॉब मार्केट में जाने का। मतलब हमें इस फंडामेंटल इस इशू को सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि शिक्षा हमारे जीवन में क्या, मतलब क्यों जरूरी है। तो शिक्षा की जो हमारी अवधारणा हमारे मस्तिष्क में बनी हुई है कि शिक्षा का मतलब सर्टिफिकेट, शिक्षा का मतलब डिग्री, कम से कम मुझे लगता है कि उस बने बनाए ढांचे से हमें निकलना पड़ेगा, तभी हम शिक्षा के इस पूरे तंत्र को ठीक से समझ पाएंगे। शिक्षा को अगर हम समझें तो शिक्षा जैसा लगातार यहाँ पर इतने दार्शनिकों के कोटेशन छपे हैं और आप सब लोगों ने पढ़े हुए हैं तो उसको दोहराने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन जैसे जैसे हमारा समाज उन्नति कर रहा है और जैसे जैसे हम समाज में अलग अलग पड़ाव को पार करके जा रहे हैं, शिक्षा का मतलब डिग्री और सर्टिफिकेशन से आगे निकल गया है। आपके पास डिग्री और सर्टिफिकेशन है उसका कोई मतलब नहीं है कि उससे आपको कोई उपार्जन मिलेगा। वो जो एक मुझे लगता है परंपरागत अवधारणा हमारे मस्तिष्क में बनी है, वो अनडाउटली कहीं ना कहीं हमारे खुद के अपने अनुभवों से कुछ गलत नीतियों की वजह से बनी। 1985 से लगभग 2005 तक हम जब नीचे बैठे थे तो हमारी इस पर सहमति बनी कि भारत में शिक्षा की जो संस्थाएं थी, चाहे वो राजनीतिक संस्था हो, चाहे शैक्षणिक संस्था हो, चाहे आर्थिक संस्थाएं हों, सरकारी नीतियों की वजह से उनका हार्श हुआ। और इसलिए जो शैक्षणिक संस्थाएं जो जिसको एजुकेशन देना था, जिस प्रकार का एजुकेशन देना था, वो एजुकेशन नहीं दे पाई, जिसके कारण लोगों को लगा शिक्षा का मतलब सर्टिफिकेट और डिग्री है। डिग्री एक्युमुलेशन और सर्टिफिकेट एक्युमुलेशन इक्वल टू एजुकेशन बन गया। प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होता है। आज आप किसी भी मतलब अलग अलग विश्व के अनुभवों को आप देखोगे तो उनके यहाँ सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि आपके पास सर्टेन स्किल्स हैं। तो अगर सर्टिफिकेट का मतलब, डिग्री का मतलब सर्टेन स्किल्स है, तो आपको मानना पड़ेगा कि वो स्किल्स हैं जो आपको शिक्षा देती हैं। स्किल्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मैं स्किल्स की बात करते समय मैं एक और परंपरागत अवधारणा पर प्रश्नचिन्ह लगाना चाहता हूँ कि स्किल्स का की बात करते समय बताना चाहता हूँ कि जब वो स्किल्स आपके अंदर आ जाएं, वो स्किल्स जो आपको सहायता करें आपके जीवन में, आपके भविष्य में, वो स्किल्स नहीं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं बोल दे कि मैं ये स्किल कोर्स हमने लॉन्च कर दिए, इसको आप सीख लोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्योंकि हमने हर जगह अपनी जो समझ से कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे जनरलाइज कर दी हैं जो कि ना हमारे लिए सही है ना आपके लिए सही है। तो जैसा मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा तो आगे नहीं जाना चाहता मतलब उस चीज़ को लेकर के, बट मेरे ऐसा था कि मुझे लगा कि कुछ ऐसे प्रश्न, कुछ ऐसे मिट जिनको क्वेश्चन करना जरूरी है आप लोगों के साथ में, तो उसको मैंने साझा किया। लेकिन मैं जब मैं स्किल्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो जो स्किल्स की बात जो कर रहा हूँ उसके लिए मेरा डर है। लगातार चाहे जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनी हो, चाहे गूगल हो, चाहे एप्पल हो, अगर वो लगातार कंसल्टेशन कर रहे हैं, उस कंसल्टेशन में जो चीज़ बात निकल के आ रही है कि लगातार टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो अपग्रेडेशन हो रहे हैं उसकी वजह से अभी हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट आगे 5 से 10 सालों में लगभग 60-70% वाइट कलर जॉब खत्म हो जाएंगे, जिनको हमें लग रहा है कि हमारा एक कैरियर ऑप्शन हो सकता है अगले 10 साल में, हो सकता है वो फील्ड ही खत्म हो जाए या उस फील्ड में हमारी ज़रूरत ही ना रह जाए। कम से कम अगर आप खुद भी सोचोगे तो बैंकिंग, मीडिया ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर दिया है कि वो हमारी जो कुछ ट्रेडिशनल स्किल हैं या जो आप कह सकते हैं कि जो हम लगातार हमारे यहाँ पढ़ाई जाती थी या जिसके प्रति हमारी समझ थी, वो उसका कोई ज़्यादा रोल रह नहीं गया है। इसीलिए अगर हम
शिक्षा या किसी कॉलेज, किसी स्कूल, किसी इंस्टीट्यूशन में या तो खुद जा रहे हैं या अपने साथ के लोगों को भेज रहे हैं, तो हमें ये सोचना होगा कि हम अगले 10 या 15 सालों में हम अपने जीवन को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं या उससे हम क्या अपेक्षा रख रहे हैं। अक्सर एक नई डिबेट अभी और इमर्ज हुई है, कम से कम इंडिया में स्टार्ट हुई है, कि हमारे जो पॉलिसीज होती थी, चाहे वो पॉलिटिकल जो सिस्टम बनाता था या जो हमारे ब्यूरोक्रेट या पॉलिसी मेकर बनाते थे, उनमें अक्सर एक ट्रेंड होता था कि वो रिस्पॉन्ड करते थे वर्तमान में जो या तो पास्ट के जो अपने एक्सपीरियंस हैं उसको रिस्पॉन्ड करते थे, या जो प्रेजेंट में चैलेंजेज हैं उनको रिस्पॉन्ड करते थे। फ्यूचरिस्टिक नहीं था कि अगर फ्यूचर में जो चैलेंज आएगा उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाएगा। वो थोड़ा सा चेंज होना शुरू हुआ है, लेकिन वो जो चेंज की जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से समाज और वैश्विक जगत बदल रहा है उसके कंपेरिजन में वो स्लो है। तो हम एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और जब मैं महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज में आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ अपने अनुभव साझा कर रहा हूँ और आपसे सीख रहा हूँ, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो लगातार अलग अलग और अनूठे प्रयोग करता रहा है, जिसको और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं कर पाए, जो कहीं ना कहीं परंपरागत पद्धति से निकल करके बहुत ही व्यवहारिक और प्रायोगिक दृष्टि रखता है, तो मेरी ये समझ है कि ये संस्था भी कम से कम इस प्रकार की चीज़ों को समझ रही होगी और इस प्रकार की दिशा में जाने का प्रयास कर रही होगी। क्योंकि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तब भी इस्टेब्लिश होगा या तभी ठीक से सर्वाइव कर पाएगा या उसके स्टूडेंट समाज में व्यवहारिकता अपनी बना रख पाएंगे, जब वो भविष्य के बारे में सोचेंगे, भविष्य में टेक्नोलॉजी कैसे हो रही होगी, भविष्य की स्किल्स क्या होंगे, भविष्य में जो हम सर्टिफिकेट और या डिग्री एक्युमुलेट कर रहे हैं उनकी क्या रिलेवेंस है। इन सभी प्रश्नों को जब तक वो सोचेंगे नहीं, क्रिटिकली एग्जामिन नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि शिक्षा को हम ठीक से समझ पा रहे हैं। सुप्रांजी ने बताया कि कई सारे पेपर का प्रेजेंटेशन हुआ और जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो संकल्प लिया गया था उसके सिद्धि तक हम पहुँचे। मेरा इस पर एक और विचार है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनने हुए आज 3 साल हो गए कम से कम, हमें अब वो समय निकल गया कि जब हमें किसी एक नीति को हमने बना लिया और फिर अगले 15 साल तक इसको हम पालन कर रहे हैं। पिछली शिक्षा नीति 86 में आई थी, उसका वर्किंग प्लान 92 में बना था, उसके बाद ये 2016 से स्टार्ट हुआ, 20 में जाकर शिक्षा नीति बनी। समाज जितना तेज़ी से बदल रहा है, मुझे लगता नहीं कि इतना समय लोगों के पास है कि आप 3 साल, 4 साल या 5 साल तक किसी एक नीति के बारे में बात करो। मुझे लगता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज ए क्या कहते हैं एज ए टीचर, हम सब लोगों को अपनी अपनी नीतियाँ बनानी चाहिए कि एक क्लास का वर्किंग प्लान क्या होगा या क्लास का अप्रोच क्या होगी अगले 5 साल में, 10 साल में, एज ए इंस्टीट्यूशन हम अगले 5 से 10 साल में क्या करेंगे और कैसे हर साल की समीक्षा कैसे करेंगे। मुझे लगता है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति बना दिया जाए, उस नीति को सब लोगों को लगा दिया जाए इम्प्लीमेंट करने के लिए। जब आज हम डिसेंट्रलाइज की बात कर रहे हैं और जब हमने इंस्टीट्यूशन को ऑटोनोमी दी है, तो हर इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने स्टूडेंट्स और अपने टीचर को लेकर के ज़्यादा है। ऐसे हर स्टूडेंट जो एडल्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने को लेकर के भी है, उसको भी खुद अपने 3 साल या 5 साल की जो एजुकेशन जर्नी है उसको एक खुद रिफ्लेक्ट करें और अगले 3 या 5 साल की योजना बनाए। हमें प्रेरणा देने के लिए और हमें मार्गदर्शन करने के लिए दो लोग हमारे मध्य में हैं, दोनों काफ़ी अनुभवी हैं, जो अपने साथ कम से कम 25-30 साल का अनुभव लेकर के आए हैं। मैं एज ए को लर्नर जितना अपने अनुभव साझा कर सकता था आपके साथ उतना किया, आपके अनुभव को मैं थोड़ा सा लेट आया इसलिए सुन नहीं पाया, ये मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन मुझे लगता है कि अगली बार मैं आपके अनुभव को ज़रूर साझा करूँगा। धन्यवाद।